सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिनो पेमेंट्स बैंक के आधार सेंटर के बारे में। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है वो आधार सेंटर लाइव कर चुका है अपने पोर्टल पे, और जो भी रिटेलर है इसके या जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सबको जो है बेनिफिट मिलने वाला है आधार सेवा केंद्र का फिनो पेमेंट्स बैंक के माध्यम से। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे कि अगर आप लोग भी रिटेलर हो तो वो कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जिसको आप लोग फुलफिल करके यहाँ पे आधार सेवा केंद्र की आईडी ले सकते हो, और यहाँ पर जो फिनो पेमेंट्स बैंक के थ्रू से, या आप लोग नए रिटेलर हो या पुराने रिटेलर हो, इससे कोई भी मतलब नहीं बनता है दोस्तों, आप सब ले सकते हो। लेकिन अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि आप लोग अगर लेना चाहते हैं यहाँ पे फिनो पेमेंट्स बैंक के तरफ से जो आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड हो रहा है, अगर उसकी आईडी लेना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आने पर इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कि फिनो पेमेंट्स बैंक का जो आधार सेवा केंद्र लाइव हुआ है उसके बारे में। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक क्या है और इसमें आधार सेवा केंद्र की कौन सी सर्विसेज आपको मिलेगी, जिसमें आधार कार्ड सुधार कर सकते हैं, या कौन सी सर्विस आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं आधार सेवा केंद्र लेके फिनो पेमेंट्स बैंक की। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले आधार सेवा केंद्र। देखिए दोस्तों, एक जो है यहाँ पे आधार आउटलेट होता है जहाँ पे आधार कार्ड को बनाने से लेकर सुधारने तक का काम होता है। अब दोस्तों, अपडेट और जो भी डेमोग्राफी अपडेट, बायोमेट्रिक अपडेट होता है, ये सब सर्विसेज आपको प्रोवाइड होता है जब आप जो है यहाँ पर सीएसपी आईडी के थ्रू या कोई सी भी बैंक के थ्रू आधार सेवा केंद्र की आईडी लेते हैं। तो अभी दोस्तों आपको तो पता चल गया आधार सेवा केंद्र पे काम क्या होता है। अभी हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक क्या है और ये कब तक जो है आधार सेवा केंद्र का लाइव करेगा आईडी। तो अभी हम बात करते हैं फिनो पेमेंट्स बैंक। दोस्तों, पेमेंट लिस्ट का बहुत ही बड़ा बैंक है और फिनो पेमेंट्स बैंक के जो है ग्राहक जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे हैं, और बहुत ही बड़ा इसका जो है यहाँ पे एरिया हो चुका है, और बहुत ही इसके जो बड़े हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे रेंज है, और यहाँ पे रिटेलर 2 लाख से प्लस है। तो यहाँ पे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिनो पेमेंट्स बैंक जो है ये कितनी बड़ी सेक्टर की एक जो है प्राइवेट बैंक बन चुका है। और अभी हम बात करते हैं तो अभी जो है यहाँ पे ऑफिशियल अपडेट बताया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से कि आपको जो है यहाँ पर आधार सेवा केंद्र मिलने वाला है, और आधार सेवा केंद्र जो है लाइव हो चुका है फिनो पेमेंट्स बैंक के अंदर। तो गाइस, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है मैं जो पोर्टल इस्तेमाल कर रहा हूँ, एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आधार सेवा केंद्र का ना अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, ना कुछ करने का ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम बात करें सबसे पहले कि अगर आप लोग जो है यहाँ पे एक रिटेलर हैं, तो रिटेलर के तौर पे यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आधार सेवा केंद्र की अगर आप लोग आईडी लेना चाहते हो फिनो पेमेंट्स बैंक के माध्यम से, तो आपको जो है ना कुछ समय वेट करना होगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी लेना चाहते हो तो अभी यहाँ पर जो है नई सर्विसेज आई है और इसका ट्रायल चल रहा है कि कितना कारगर हो सकता है ये सर्विस जो है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ब्रांच में इसकी फैसिलिटी अवेलेबल करवाई गई है फिनो पेमेंट्स बैंक के माध्यम से, और ये जो अभी सर्विसेज है दोस्तों सिर्फ जो है यहाँ पे बैंकिंग के अंदर ही, मतलब बैंक ब्रांच के ही अंदर है आधार अपडेट का सुविधा है, और यहाँ पे आधार बनाने का सुविधा जो है ये सिर्फ फिनो के बैंक के अंदर ही अवेलेबल हुआ है। जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि आपके सिटी में ब्रांच होगा तो वहाँ पर ये सर्विस लाइव हो चुका है। अभी रिटेलर को नहीं मिला है, डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं मिला है, लेकिन फिनो पेमेंट्स बैंक के तरफ से ऑफिशियली कहा गया है कि बहुत ही जल्द जो है यहाँ पे सीएसपी संचालक को, रिटेलर को, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर को बहुत जल्द जो है ये फैसिलिटी मिलने वाली है। और ये कौन सी फैसिलिटी है तो आपको पता ही है कि आधार सेवा केंद्र जो लाइव हो चुका है तो उसकी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। ये भी खुलासा किया गया है फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से कि जो आईडी है दोस्तों यहाँ पे आधार सेवा केंद्र की, आधार सेंटर की जो आईडी है यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है फिनो बैंक के तरफ से। और आपको जो है यहाँ पर जो भी कस्टमर से चार्ज लेना है वो उसका स्लैब जो है यहाँ पे आपको शो कर रहा है। जैसे कि आप बायोमेट्रिक अपडेट करने का ₹50 चार्ज ले सकते हैं आप ग्राहक से, और नया आधार कार्ड डाउनलोडिंग करके प्रिंट करके देते हैं तो उसका ₹30 चार्ज ले सकते हैं, और यहाँ पे डेमोग्राफी अपडेट करते हैं तो उसका भी ₹50 चार्ज है, तो वो भी आप ले सकते हैं कस्टमर से। और आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो आपको जो है अलग से होने वाला, आप समझ सकते हैं कैसे आप अर्निंग करिएगा आधार सेवा केंद्र पे। तो यहाँ पर ये सब सर्विसेस आपको मिलेगी, और यहाँ पर बहुत ही जल्द जो है ये फिनो पेमेंट्स बैंक की तरफ से बताया गया है कि आधार सेवा केंद्र जो हर रिटेलर के यहाँ पर जो है, जो लोग अच्छे ट्रांजेक्शन करते होंगे और जो लोग यहाँ पर जो है उसके नज़दीक बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं, अकाउंट ओपनिंग करते हैं, वो सब यहाँ पे रिटेलर को जो है मिलने वाला आधार सेवा केंद्र। तो यहाँ पर अभी खुलासा नहीं किया गया है कि कब तक ये आने वाला है,
देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको जो है टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई से भी क्वेश्चन आंसर है तो इस वीडियो में मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आप लोग को पसंद आता है इस वीडियो। तो दोस्तों आप जो है यहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी जो ये फैसिलिटी है सिर्फ ब्रांच के अंदर है, बहुत जल्द जो है यहाँ पर धीरे धीरे कोई भी चीज़ होता है तो अभी ब्रांच के अंदर इसका ट्रायल चल रहा है। जैसे ब्रांच के अंदर ये अवेलेबल पूरे तरीके से हो जाता है तो आपको भी मिल जाएगा। फिनो पेमेंट्स बैंक की अगर आप लोग आईडी लेना चाहते हो तो हमसे ले सकते हो। रिटेलर आईडी की जो प्राइस है मात्र 500 रुपये है, और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेना चाहते हो तो 6500 रुपये जो है आपका प्राइस आने वाला है। अगर आपको लेना है तो इंटरेस्टेड हो फिनो पेमेंट्स बैंक के साथ जुड़ के काम करने में, तो हमारा जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर आके और हमको बता सकते हैं। इसकी जो डॉक्यूमेंट एलिजिबिलिटी है दोस्तों CSP लेने की, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आपका जो एज है वो 18+ होना चाहिए, और 500 रुपये आपको पेमेंट करना है रिटेलर आईडी के लिए, और आपकी जो है रिटेलर आईडी बनके तैयार हो जाएगी 2 से 3 घंटे में मिल जाएगी, और एक्टिवेट 24 घंटे के अंदर में हो जाता है। और यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर आईडी की भी सेम डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया है, आपको सिर्फ जो है प्राइस ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ पर 6500 रुपये आईडी प्राइस है, तो आप लोग हमसे ले सकते हैं दोनों प्रकार की आईडी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी क्वेश्चन आंसर कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो आपके कमेंट में बता देंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।